من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, we congratulate you on your promotion and say welcome to all of you in your new class 6 on the behalf of Iqra Razatul Atfal Trust. हमें खुशी है कि पेंडेमिक COVID-19 के वजह से जो हमारे स्कूल काफ़ी अरसे तक हमारी तालीमी सरगर्मियाँ मुनक़ता रहीं, एक तवील अरसे के बाद हम इन ऑनलाइन क्लासेस में दोबारा साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. और इस सिलसिले में अब हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इन क्लास 6. इस हवाले से जो किताब क्लास 6 में मैथ्स के हवाले से हम इस्तेमाल करेंगे वो है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशुरू. ये किताब 15 यूनिट्स पे मुश्तमिल है. इट हैज़ 15 यूनिट्स एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है ये किताब. अर्थमेटिक के लिए हमारे पास जो यूनिट मौजूद हैं वो हैं यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 13. वेल अलजेब्रा के लिए यूनिट नंबर 8 एंड 9 और ज्योमेट्री के लिए यूनिट नंबर 10, 11, 12. 3 चैप्टर, 3 यूनिट हमारे पास ज्योमेट्री के हैं. इसके अलावा हमारे पास नोटबुक मौजूद होगी. आप देख सकते हैं इकरा हुफास सेकेंडरी स्कूल्स में इस्तेमाल होने वाली कॉपी, जो हमारे इकरा रज़तुल अस्फ़ाल ट्रस्ट की ही पब्लिश्ड है. सिंगल लाइन कॉपी है ये हमारे पास. इस तरह की नोटबुक, ये एक नोटबुक हम यूज़ करेंगे अर्थमेटिक के लिए. ऐसी ही एक और नोटबुक हम इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रा के लिए, और एक और नोटबुक जो कि एक सफ़ा सादा, जिसका एक सफ़ा सादा होता है, वो नोटबुक हम इस्तेमाल करेंगे ज्योमेट्री के लिए. यानी क्लास 6 में मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे पास मैथ्स की बुक मौजूद होना चाहिए सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड की लेटेस्ट एडिशन के साथ, और इसके अलावा 3 नोटबुक्स होनी चाहिए. एक सेपरेट नोटबुक आपकी अर्थमेटिक के लिए, एक नोटबुक अलजेब्रा के लिए, और एक नोटबुक ज्योमेट्री के काम के लिए. आज के हम काम की इब्तिदा हम करें. अजीज तालिबान, इस हवाले से आज हम क्लास 6 में मैथमेटिक्स की बाकायदा तालीम का आगाज़ करते हैं. हमारे पास मैथ्स की बुक में जो पहला यूनिट मौजूद है वो है सेट. सेट का लफ्ज़ एक आम फहम लफ्ज़ है. जब भी हम सेट की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है, क्या आता है भाई आपके जहन में? जी हाँ, ज्वेलरी सेट, डिनर सेट, टी सेट, इसी तरह से फर्नीचर का सेट. लेकिन जब हम मैथ्स की बात करते हैं बेटा तो फिर हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं. यानी उसकी कुछ शराइत हैं. हर मजमुआ, हर कलेक्शन सेट नहीं होता है. देख सकते हैं बेटा, हमारे पास बहुत सी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं आपके सामने. यहाँ मुख्तलिफ रंग की रिंग्स मौजूद हैं. ये भी एक मजमुआ है. कुछ रंग मौजूद हैं, ये भी एक मजमुआ है. यानी अशिया का मजमुआ, चीज़ों का मजमूआ. इसके बाद एक कलेक्शन ऑफ बुक यहाँ मौजूद है और एक और कलेक्शन ऑफ बुक्स उसी के साथ रखा हुआ है.
से हम चेक करेंगे कि किस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं और किसको नहीं कहेंगे। सेट, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects। इस डेफिनेशन की अहम तरीन बात, सेट क्या है? सेट मजमुआ है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। इट मींस कि सेट में और कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स तो होंगे दोनों में, लेकिन कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं होंगे और डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। अब बात ही समझने वाली ये है कि वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ये सेट जो है उसके जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, जितने रुकन हैं, जितने मेंबर्स हैं, दे ऑल मस्ट हैव अ प्रॉपर स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स खसूसियत, उनमें कोई ख़ास बात होनी चाहिए जो उन सब में मौजूद हो। पहली चीज़ कि उस कलेक्शन को में एक कोई खासियत, उसकी कोई खासियत ऐसी, उसमें कोई ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो उस कलेक्शन के हर एलिमेंट, हर मेंबर में, हर रुकन में मौजूद हो। और दूसरा लफ्ज़ है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट अनलाइक, यानी एक बात है कि कोई खसूसियत ऐसी होनी चाहिए जो सब में कॉमन हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप आसानी से वजाहत से बयान कर सकें। दूसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो। तो फिर ये बात कैसे सीखेंगे हम, देखते हैं हम अपनी एग्जांपल्स की तरफ। देखें, मेरे पास इस वक्त कलेक्शन ऑफ रिंग्स मौजूद हैं। इस कलेक्शन ऑफ रिंग में कुछ रिंग्स येलो कलर के हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ ऑरेंज, कुछ ब्लू, कुछ रेड, लेकिन बहुत सारे रिंग्स रिपीट हो रहे हैं इसमें। यानी येलो के बहुत सारे रिंग्स मौजूद हैं, ग्रीन कलर के काफ़ी सारे हैं, ब्लू कलर के काफ़ी सारे रिंग मौजूद हैं। तो इसमें एक खसूसियत तो है कि ये सेट ऑफ कलर्ड रिंग है। यानी पहली बार वेल डिफाइंड वाली हम यहाँ पूरी कर पा रहे हैं कि जी इनमें प्रॉपर्टी है, ये कलर्ड रिंग का सेट है। लेकिन मैं इसको सेट नहीं कहूँगी। वजह क्या है? दे आर नॉट डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट टू ईच अदर मीन्स इसके एक जैसे एलिमेंट काफ़ी सारे हैं। जब हम ग्रीन रिंग की बात करेंगे तो बेटा आप वाजे नहीं कर पाओगे कि ग्रीन रिंग कौन सा वाला है। यहाँ तो बहुत सारे ग्रीन रिंग्स हैं, तो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट। लिहाजा ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या नहीं है? सेट नहीं है। हम अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगेन वी हैव द वुडन कलर्ड वुडन पीसेस, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, वाइट, रेड, ब्लैक, ब्लैक, रेड एंड ब्राउन। वही बात दोबारा आ गई, सेट ऑफ कलर तो है और वेल डिफाइंड भी है, लेकिन यू कैन सी दैट वी हैव द टू पीसेस ऑफ ब्लैक कलर। जब हम बात करेंगे इस कलेक्शन में एलिमेंट्स की, तो आप इन दो कलर के सेम कलर के पीसेस होंगे तो आप उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जब अगर मैं इसमें से एक पीस कम कर दूं, अब
ये कलेक्शन सेट कहला सकता है। आ रही है बात समझ में बेटा आपको? बहुत आसान सी बात है। इसमें जो रिपीट कलर था वो मैंने हटा दिया। अगर ये रिपीट ये कलर के एक ही कलर के दो एलिमेंट होते तो ये सिर्फ कलेक्शन होता। लेकिन अब इस वक्त मेरे पास वुडन कलर्ड वुडन पीसेस मौजूद हैं, हैं ये कलर्ड पीसेस, लेकिन कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हो रहा। दे डिस्टिंक्ट हैं, दे आर डिस्टिंक्ट, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉपर्टी है कि ये रंगीन लकड़ी के टुकड़े हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा इस सूरत में ये कलेक्शन से चेंज होके क्या बन गया? सेट। आखिरी एक और मिसाल की तरफ आते हैं। हमारे पास कुछ बुक्स का कलेक्शन मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो किताबें मौजूद हैं, दो मैथ्स की क्लास सिक्स की बुक्स मौजूद हैं, दो प्रेप सिक्स के मैथमेटिक्स की बुक्स मौजूद हैं, एक किताब प्रोफेसर साजिद हुसैन साहब की निसाब व तदरीस के हवाले से है, एक किताब हमारे पास मौजूद है एस ए राइटर मैकलॉरिन की और माइकल स्वैन की, हमारे पास प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज मौजूद है, कुलियात इकबाल मौजूद है और फिजिक्स की एक किताब मौजूद है। अब ये किताबें तो हैं मगर क्या इनमें कोई खासियत एक जैसी है? जी हाँ, इनके सब मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। कुछ किताबें तो रिपीट हो रही हैं और जो रिपीट नहीं हो रही उनमें कोई एक नज्म एक कायदा मौजूद नहीं है। ये किसी एक मज़मून की किताब एक मज़मून की किताबें नहीं हैं। तो लिहाजा ये मजमूआ किताबों का सिर्फ कलेक्शन कहलाएगा, नॉट द सेट। इसके बाद हम अगले मजमूए की तरफ आते हैं। यह हमारे पास चार किताबें मौजूद हैं। पहली किताब पे आप देख सकते हैं कुरानी डिक्शनरी लिखा हुआ है। दूसरी किताब है उर्दू अरबी डिक्शनरी, यानी ये दोनों लुगतें हैं। तीसरी है किफ़ायत उर्दू लुगत, ये भी एक डिक्शनरी है। और चौथी जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी है। यहाँ हम इन चारों किताबों को वजाहत के साथ बयान कर सकते हैं। इनमें एक खासियत मौजूद है। क्या खासियत है, कोई बता सकता है मुझे? जी हाँ, बिल्कुल सही बेटा। इनमें क्या खासियत है? इनकी खसूसियत ये है कि ये सारी की सारी डिक्शनरीज हैं। अच्छा, अब इस तरह ये वेल डिफाइंड हो गई और डिस्टिंग कैसे हुई कि एक अंग्रेज़ी की लुगत, एक उर्दू की, एक अरबी की, एक कुरान के हवाले से, लिहाजा कोई भी एक जैसी किताब नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, अनलाइक दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। इट मीन्स अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है ज़बानी, और हमेशा आपको याद रहे ताकि आगे आने वाले दिनों में हम अपने काम को और आसानी से कर सकें। यानी आप फौरी तौर पे देख के अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सा मजमूआ जो है वो सिर्फ मजमूआ है, कलेक्शन है, और कौन सा मजमूआ, कौन सा कलेक्शन बाकायदा रियाजी के हिसाब से, रियाजी की टर्म में, मैथ्स के टर्म में सेट है। अच्छा, यहाँ हम एक बात और आपको बताते जाएँ कि ये सेट की थ्योरी जिन साहब ने पेश की थी, उन साहब का नाम है जॉर्ज कार्टन। जॉर्ज कार्टन साहब जो हैं वो 1845 में इनकी पैदाइश हुई और इनकी ईयर ऑफ डेथ जो है वो 1918 है। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और पहली दफ़ा सेट का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने पेश किया था। तो ये छोटी बातें आपकी जनरल नॉलेज की होती हैं जो बताई जाती हैं आपको ताकि आप इनके नाम याद कर लें और जब भी हमारी बात हो तो आप उन लोगों को रेफर कर सकें कि जिनके हवाले से नई नई टर्म्स हमारे सामने, थ्योरीज हमारे सामने आई हैं। और आप अपनी क्लास के हिसाब से हम जो बोर्ड पर इस वक्त जितनी चीज़ें मेंशन करेंगे, ये समझ लीजिए कि सारी मालूमात आपको दिल से ज़बान से ज़बानी याद करनी है, अपने जहन में बिठा लेनी है। तो हमने इस वक्त